आम आदमी पार्टी में सारे ऐसे ही हैं, सारे चोर गुंडे घुसे हुए इसमें। लेकिन इसमें कुछ जो गंदे नेता है उनका पार्टी से बाहर जाना बहुत जरूरी है। अगर आज ईडी वाले इनके पीछे पड़े तो कोई कारण ही होगा। ईमानदार कत्ते है ना, कट्टर ईमानदार कहाँ गए? कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया भी जेल में चले गए और आज इनको भी पकड़ा गया है। इस बार बीजेपी की सरकार है। मोदी जी ने काम किया है, युवाओं के लिए भी काम किया है, किसानों के लिए भी काम किया, जवानों के लिए भी काम किया, सबके लिए काम किया है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। एक के बाद एक उनके तमाम जो मुख्य नेता हैं और मुख्य चेहरे हैं उन पर कभी ईडी का शिकंजा होता है, कभी सीबीआई का शिकंजा होता है। अभी हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल बंगले मामले में उनपे भी सीबीआई का शिकंजा था। आज इसी पूरे मुद्दे को लेकर हम भी जनता के बीच पहुंच चुके हैं। नमस्कार, मैं नलिनी सिंह पालीवाल और हमारे स्पेशल शो जनता बोलती है, पोल खोलती है में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ और दिल्ली की जनता से ही जानूंगी जिस प्रकार से लगातार सुबह संजय सिंह के घर पर आज ईडी की रेड मारी गई, क्या लगता है आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं? आपका वर्चस्व बच या रहेगा या एकदम खत्म हो जाएगा? देखिए, पार्टी तो अभी रहेगी, पार्टी तो खत्म नहीं होगी। लेकिन इसमें कुछ जो गंदे नेता है, जो आम आदमी के भेष में खास आदमी है, जो लोग उनका पार्टी से बाहर जाना बहुत जरूरी है। अब संजय सिंह जी जो है, इनका सबसे जो मुझे पर्सनली इनका जो बुरी चीज़ लगती है इनके अंदर भाषा नहीं है बोलने के लिए। मतलब इनको जो बात कैसे करनी है अपने सीनियर से या जो देश के प्रधानमंत्री है उनके बारे में, इनकी जो विचारधारा है या जो इनके जो वर्डिंग ये यूज़ करते हैं उनके लिए बात करने के दौरान, वो इनके सबसे पहले इनके अंदर जीरो है। कई बार ये संसद से भी निष्कासित हो चुके हैं इनकी भाषा के वजह से ही। क्योंकि भाषा से इसलिए हो गए हैं क्योंकि लोकसभा में स्पीकर जो है केंद्र की है, तो होना ही है। रमेश बिदुरू को क्यों नहीं किया गया? वो किसी और को कुछ और कहते हैं तो उनपे भी तो होना चाहिए ना। तो आम आदमी पार्टी में सारे ऐसे ही हैं, सारे चोर गुंडे घुसे हुए इसमें, वो अपना ही करते हैं तो वो गलत करेगा तो कार्रवाई तो होगी, उसमें क्या है? इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार आएगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मनीष सिसोदिया भी जेल में चले गए और आज इनको भी पकड़ा गया है। इस बार बीजेपी की ही सरकार है। इस बार बीजेपी की ही सरकार बिल्कुल आएगी, 2024 में आएगी। भारत को हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे, 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा, विश्व गुरु बनेगा। और मोदी जी के अलावा आपको लगता है कोई दूसरा चेहरा है विपक्ष के पास? इन लोगों का कहना है कि मोदी के अलावा कोई चेहरा नहीं है, ठीक है? आपने जिसका कार्यकाल दिखा नहीं है, इन लोगों को एक इमेज बिगाड़ने का काम पता क्या है? हम लोग राहुल गांधी को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है? राहुल गांधी चेहरा है, एक चेहरा है। देखिए, आगे बढ़कर कह रहे हैं कि चेहरा है, चेहरा है, मेरे भाई का पसंदीदा चेहरा है। 28 दल जिसके पीछे लगे हुए हैं, जिसके साथ खड़े हुए हैं, वो चेहरा है। जिसमें इतने सारे डाउट है कि आई के बाद डाउट, एन के बाद डाउट, डी के बाद डाउट, फिर आई के बाद बहुत डाउट है उसमें, उस चेहरे में। पर सबसे पढ़ा लिखा चेहरा, जिसे बाहर की यूनिवर्सिटियां बुला के भी अपने बच्चों को दिखाती है कि बच्चों पढ़ाई लिखाई में दिमाग लगा लो वरना इस चेहरे जैसे बन जाओगे। और वो चेहरा ऐसा है, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी निकाल के लाता है, आलू से सोना बना देंगे, खेतों में टाइल लगा देंगे, चील कौओं को ये पता, जो आलू से सोना बनाने का जो बयान है ना, जो स्टेटमेंट है, वो एक्चुअल में आप देख लो, वो स्टेटमेंट है किसका, ठीक है? और रही बात स्टेटमेंट किसका है? ये राहुल गांधी नहीं है, वो राहुल गांधी मर गया। अब जो तुम देख रहे हो भैया, सुनो, ये किसके स्टेटमेंट? राजस्थान नहीं दिखता है, कर्नाटक नहीं दिखता है, कर्नाटक में पकिस्तान तेरे पकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाते हो तुम अपने शपथ ग्रहण में, वो नहीं दिखता है तुम्हारा। अगर आपको कर्नाटक दिख रहा है ना, तो कर्नाटक में मोदी जी ने 3 दिन का रोड शो किया था और वहाँ पे एंड टाइम पे चुनाव से एंड टाइम पे कौन सी। वापस मुद्दे पर आते हैं सर, वापस मुद्दे पे आते हैं। आज बात जो हो रही है आम आदमी पार्टी की हो रही है, सारे भ्रष्टाचार है। कौन सा भ्रष्टाचार नहीं है? ईमानदार कत्ते है ना, कट्टर ईमानदार कहाँ गए? कट्टर ईमानदार पार्टी तो लगातार कदर नहीं है, पल्ले से देने पड़ते हैं। ये ईमानदार घूमते हैं घोटालों के, बताते क्यों नहीं न्यूज में आके कि हमने नहीं घोटाला करा? भाई सामने बात करो, पब्लिक को विश्वास दिलाओ, जो पब्लिक के मन में ये है घोटाले करे हैं सामने आए। मेरे कहने को कोर्ट पे छोड़ दीजिए, अगर वो अगर बेकसूर होंगे तो छूट जाएंगे और नहीं बेकसूर होंगे तो सजा होगी। जैसे मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन अगर बेकसूर होते तो कोर्ट ही उनको अंदर रखिए ना, कोई पुलिस तो रखी नहीं है, पुलिस तो उठा के कोर्ट के हवाले कर दी, कोर्ट ने उनको डाल के रखा है। तो संजय सिंह को भी सब्र करना चाहिए। देखिए, वही केजरीवाल जी है जो अपने आप को कट्टर ईमानदार सर्टिफिकेट देते हैं, दो इनके दो मंत्री जेल से जमानत ले पा रहे, और जो अभी तो थोड़ी सी आंच लगे, जब अपने आप को इतना कट्टर ईमानदार, घबराहट किस बात की? स्वागत करना चाहिए ईडी का, आइए हमारे पास, आप आइए जांच कीजिए। अभी तो शीश महल पर जब कोर्ट ने संज्ञान लिया है, किसी व्यक्तिगत नहीं गया, और जो व्यक्तिगत कहते हैं
मोदी जी डर गए, मोदी जी नहीं डरे, आप लोग, आप कोर्ट ने आपका ऑर्डर दिया है कि आपके जो शीश महल में काम हुआ है उसकी फाइलें हमारे पास भेजो, संज्ञान लिया कोर्ट ने लिया। एक पूरा सवाल मैं आप सभी से लेना चाहूंगी, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, क्या लगता है अब आम आदमी पार्टी का वर्चस्व बचेगा या नहीं बचेगा? नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि जो कट्टर ईमानदार करके आए थे वो बेईमान हो चुके हैं, जो जनता की बात कह रहे, जनता के जो मुद्दे थे उससे भटक चुके। देखिए फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी बांटने वाली जो जो भी कंट्री है उसका हाल वही तालिबान जैसा हो जाएगा देश का, देखा भाई, और ये वही होने वाला है। बताइए कौन सा ऐसा मंत्री है, कौन सा ऐसा देश है, कौन सी कंट्री है जिससे एक मतलब किसी भी सीएम ने फ्री शराब एक के साथ एक की हो? युवा भी यहाँ पे मौजूद है, युवा से भी पूछ लेते हैं, कहते हैं अब की बार दोबारा भाजपा सरकार आएगी, युवा किसान हर कोई भाजपा को चूज करे? करेगा, करेगा, जरूर करेगा। मोदी जी ने काम किया है, युवाओं के लिए भी काम किया है, किसानों के लिए भी काम किया है, जवानों के लिए भी काम किया है, सबके लिए काम किया है। कुछ ऐसे काम जो आपको बहुत वो तो मैं भूल गया, लेकिन काम तो भूल गया। हाँ, जैसे मेरा जो कॉलेज है उसकी जो नई बिल्डिंग है अभी, वो नई बिल्डिंग बनवाई नहीं है, भले ही ना बनवाई हो बेशक से, लेकिन उसका लेकिन उसकी जो रेनोवेशन है उसका काम है, एसी वेसी लगाने सब, वो सब मोदी जी ने फंडिंग किया ना। जो लोग यहाँ पर हैं वो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि अब उन्हें आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि वो एक भ्रष्ट सरकार है। देखिए भ्रष्ट कैसे है, 3 महीने से जो बात कर रहे थे, जो DDC सताई कर्मचारियों को पक्का करने की बात करते थे, आज पेंशनधारियों को 3 महीने से पेंशन नहीं मिल रही, जो एक भी बच्चा पक्का किया हो, किस मुकाम पे बात करो, जो दर्शन बात है बड़ी बड़ी, दर्शन छोटे, ऐसी ना तो सरकार चाहिए ना ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने ठगा है, आम आदमी पार्टी ने देखो काम करने नहीं दिया बीजेपी ने, ऐसा मैंने कभी पहले सुना ही नहीं था कि ऐसा CM के जितने भी काम होते हैं LG के पास भेजे जाएं। हमने तो फर्स्ट टाइम आपकी सरकार में देखा गया कि जो CM काम करता है उसकी जितनी भी सारी फाइल्स होती हैं LG साहब के पास भेजी जाती है। भ्रष्टाचारी ना होने की बात करती थी आम आदमी पार्टी, लेकिन एक के बाद एक तमाम नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। मैं वो नहीं लूंगा, क्या नाम, क्या कहते उसे, BBIP की कोई भी सुविधा नहीं लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा मैं अपने बच्चों की, कैसा मैं कांग्रेस तब उस पार्टी से क्या उम्मीद कर सकते हो आप बता दो मुझे, ना वो सिक्योरिटी लेते हैं, ना वो आज 45 करोड़ के पर्दे ला रहे हैं, अपना घर रिनोवेशन करो, अच्छी बात है, घर करवाना चाहिए, आज वो मुख्यमंत्री हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो आम आदमी पार्टी किस लोगों पे आई है, आम लोगों के पे चकाई है, वरना उनका कोई काम अब आम आदमी पार्टी जैसा नहीं रहा। और रही बात संजय सिंह की, अगर आज ED वाले इनके पीछे पड़े तो कोई कारण ही होगा जो ED पड़े पीछे। एक सवाल वही है कि आपका क्या होगा, आम आदमी पार्टी का क्या होगा? मेरे इर्द गिर्द अगर आपको जूम करके दिखवा दूं, रोटेट करके, तो ये जो घेरा है ये उन तमाम लोगों का है जो एक तरफ कह रहे हैं कि वाकई आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है, तो कहीं ना कहीं लोग ये भी चेता रहे हैं कि नहीं भाई, कहीं बीजेपी कहीं ना कहीं उनको काम नहीं करने दे रही, ऐसी भी बातें दर्शक यहाँ पे बोल रहे हैं। तो इसी प्रकार से जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे, जनता की राय हमने आपको बताया कि आखिर क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी लगातार घेराव में है, क्या लगता है आम आदमी पार्टी का वर्चस्व बचेगा, आखिर आपका यानी कि आम आदमी पार्टी का इस बार क्या होगा? कैमरामैन बलविंदर के साथ नलिनी सिंह पालीवाल, APN News दिल्ली।